गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। मुझे ना कहीं लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि थंडर बे कैसा है, कॉन्फेडरेशन कॉलेज में आना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, थंडर बे में जॉब मिलेगी, अकोमोडेशन का क्या सीन है, सबसे मेन बात कि थंडर बे सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि कई सारे जो मिथ बना है लोगों में कि थंडर बे मत जाना, इट्स नॉट अ सेफ। तो आज जो है वो इसी के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे कि आपको जो है वो थंडर बे आने से पहले ये सारे जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं आंसर करने की ट्राई करूँगा। मुझे जो 2 महीना हुआ है थंडर बे में, कॉन्फेडरेशन में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता हूँ, तो आज जो है उसी के ऊपर पूरा बात करेंगे। सबसे पहले कि थंडर बे सेफ़ है कि नहीं। हाँ, कई साल पहले ऐसा होता था कि यहाँ पे जो है वो इतना सेफ़ नहीं था थंडर बे, पर 2018-19 के बाद धीरे धीरे जो है वो इमिग्रेंट्स आने लगे हैं और थंडर बे में बहुत सारे जो है वो इमिग्रेंट्स हैं, मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि थंडर बे सेफ़ नहीं है। हाँ, कुछ एरियाज है कि जहाँ पे लोग प्रिफर करते हैं कि आप अवॉइड करो वहाँ पे अकोमोडेशन रखने से पहले, तो ऐसा कोई नहीं है कि आप वहाँ पे जाओ ही मत। वहाँ पे भी काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सेफ्टी का तो ऐसा है कि अगर 100 में से अगर एक आपको जो है वो कोई भी क्राइम दिखेगा तो आपको लगेगा कि क्राइम हो रहा है, अगर 1000 या 10,000 में से 5 करेंगे 10 करेंगे तो इतना नहीं दिखेगा। तो क्राइम तो जो है वो सभी जगह पे है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है वो परेशान करते हैं या तो फिर वो सेफ़ नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। थंडर बे पूरा जो है वो सेफ़ सिटी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कि थंडर बे में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठंड जो है वो अगस्त से स्टार्ट हो जाती है टिल अप्रैल एंड तक जो है वो ठंड रहती है। मैं जब टोरंटो में 21 अप्रैल को लैंड हुआ था तो टोरंटो में 20 डिग्री टेम्परेचर था, और थंडर बे उसी दिन जब मैं यहाँ पर आया थंडर बे में तो यहाँ पे -2 था। तो इतना जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस थंडर बे का है। तो थंडर बे जो है वो ओंटेरियो का वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटी में से जो है वो एक सिटी है। अभी जो है वो थर्ड पॉइंट कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जॉब थंडर बे में है कि नहीं है। हाँ, अभी जो है वो कनाडा में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, कि अगर आप इंडिया से लगेगा कि कनाडा में सबको जॉब मिलती है, टोरंटो, ब्रैम्पटन, किचनर, तो ऐसा कुछ नहीं है। टोरंटो, ब्रैम्पटन, किचनर, ये सब जो सारे जीटी एरियाज है कि वहाँ पे बहुत सारे जहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे जॉब्स का बहुत प्रॉब्लम है, ये सच है। कोई नहीं बताएगा ग्राउंड रियलिटी कनाडा की, वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैं कहीं जो है वो जानता हूँ, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास 3-3, 4-4, 5-5 महीने से जॉब नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जीटी एरिया से है टोरंटो के आसपास के, वहाँ पे कितना जो है वो प्रॉब्लम है जॉब का। और स्पेसिफिक थंडर बे की बात करूँ तो मैं जो है वो 21 अप्रैल 2023 को आया था, और जो है मुझे 1 मई मतलब कि 8 या 10 दिन में जो है वो मेरी पहली जॉब लग गई थी। तो यहाँ पे भी इतना नहीं है कि आप जो है वो लैंड होते ही आपको वीक में जॉब लग जाए या तो फिर 2 दिन में मिल जाएगी। मैंने कहीं सारे जो है वो फ्रेंड्स है कि जो मेरे साथ थंडर बे में ही है, यहाँ पे आके मुझे जो है वो फ्रेंड्स बने हैं जो मेरे पहले आए थे, मतलब कि मुझसे 1 महीना पहले आए थे, फिर भी जो है मुझसे 15-20 दिन बाद जॉब मिली, मतलब कि कहीं को 1 महीने बाद 2 महीने बाद जॉब मिलती है। जॉब का ऐसा नहीं है, आप जितनी ट्राई करोगे, जितनी जगह पे आप जो है वो अपना रिज्यूमे डालोगे, जितना आप अप्लाई करोगे, उतना आपके जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब के। तो थंडर बे में ऐसा कोई मेजर इश्यू नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैंने देखा है लेट मिलेगी, पर सभी स्टूडेंट्स को जो है वो मिल जाती है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल। अभी जो है वो मैं थंडर बे में अकोमोडेशन के बारे में बात करता हूँ। अकोमोडेशन आपको कैसे करना है कि अगर आप के कोई यहाँ पे फ्रेंड्स है
या तो फिर आपको कोई आप किसी को जानते हो यहाँ पे थंडर बे में है, तो पहले उनसे बात कर लीजिए। अगर उनके कोई फ्रेंड्स में स्पेस वगैरह खाली हो रही है तो आप जो है टेम्पररी वहाँ पे आ जाइए। फिर बाद में जो है आपके कॉलेज में नए फ्रेंड्स बनेंगे, आप जो है वो कई जो लोगों को यहाँ पे आके कनेक्शंस बनेंगे, तो आप जो है वो उनके साथ या तो फिर कोई और जगह पे जो है वो यहाँ पे मूव हो सकते हैं। या तो फिर अगर आपको यहाँ पे कोई नहीं जानता तो शिबली रेसिडेंस है, या तो फिर कॉलेज का रेसिडेंस है कॉन्फेड का, या तो फिर लेकेड में आ रहे तो उसका रेसिडेंस, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो मेजर जो है आप सबसे पहले फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे देख लीजिए, फिर किजीजी पे देख लीजिए, ये सारे जो है वो साइट है, वहाँ पे आप जो है वो अकोमोडेशन देख सकते हैं। पर प्रीफर करें कि आप जो है वो पेमेंट का थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड सभी जगह पे होते हैं आप पैसों के लिए, पर जो है वो आप दो जगह पे वेरीफाई करवा के फिर आगे बढ़िए। तो जो है वो मैं जो है मेजर अभी एरियाज़ बताऊंगा कि आपको जो है वो अकोमोडेशन कौन से एरियाज़ में बन सके तो अवॉइड करने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रहो ही मत, पर बेटर के आपको जो है वो इस एरिया से आप जो है वो दूसरे एरियाज़ में अकोमोडेशन देखो। तो सबसे पहले कि सिटी हॉल आसपास है, सिम्पसन वाला एरिया है, मे स्ट्रीट, ये सारे आसपास सिटी हॉल के सारे जो आसपास के जो एरिया है वहाँ पे बन सके तो इंटरनेशनल स्टूडेंट, या तो फिर आप वर्क परमिट पे आ रहे हो तो आपको इंडिया में पता नहीं होगा कि ये एरिया कैसा है, तो ट्राई करो कि यहाँ पे जो है वो अकोमोडेशन ना मिले। मेजॉरिटी जो है वो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको अकोमोडेशन नहीं मिल रहा यहाँ पे, कोई नहीं है आपका कोई फ्रेंड वगैरह, तो आप जो है कॉलेज का कॉन्फेडरेशन का जो है वो रेसिडेंस है शिबली रेसिडेंस करके, और लेकेड में जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनका भी कोई रेसिडेंस है, तो आप जो है वो पहले वहाँ पे ट्राई कर लीजिए। क्योंकि एक तो वो कैंपस से वॉकिंग डिस्टेंस पे रहता है, और आपको जो है वो थोड़े दिन में सारा आइडिया लग जाएगा कि कैसे सब क्या होता है। फिर जो है आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे तो आप जो है वो इजीली अकोमोडेशन जो है वो अपना कर सकते भी जो हैं। है मैं यहाँ पे अकोमोडेशन के जो है वो आपको अप्रोक्स रेट बताऊंगा कि आप जो आइडिया हो जाए कि यहाँ पे जो रेंटल कितना पड़ता है। तो अगर आप शेयरिंग में रहोगे, कॉलेज के आसपास रहोगे, एरिया अच्छा है, तो 350 से 400 के बीच में आपका जो है वो शेयरिंग में अकोमोडेशन मिल जाएगा। इसीलिए 300 में भी मिलता है, ऐसा नहीं है, पर ये जो है वो अप्रोक्स रेट आपको बता रहा हूँ, ये 2023 अभी के है। आप जो है वो 24 में आएंगे या तो फिर बाद में आएंगे तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो है ये ऊपर नीचे होता है। फिर अगर आप प्राइवेट रूम रखोगे तो 450 से लेके 600 700 तक के भी है, तो वो सारे जो एक्सपेंसिव साइड पे जो भी रहेंगे वो घर अच्छा रहेगा, फुल्ली फर्निश्ड मिलेगा, ऐसा सब है। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट है और आपका जो है वो प्रीफर करना कि जो है आप शेयरिंग में ही रहे, आपकी जो है वो सेविंग हो जाए इसमें। अगर आप जो है वो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो, या तो फिर आप लेकेड में आएंगे या तो फिर कॉन्फेड में आएंगे, तो फिर ट्राई करो कि आपको जो है वो अगर कॉलेज में आ रहे हो कॉन्फेडरेशन में, तो कॉलेज से 1 डेढ़ 2 किलोमीटर के अंदर आपको जो है वो अकोमोडेशन मिल जाए, ऐसी ट्राई करो तो आपको जो है वो इजी हो जाएगा। और सेम एज़ की लेकेड में भी आप जो है वो यूनिवर्सिटी के नियर बाई में जो है आप अकोमोडेशन जो है वो फाइंड करने की ट्राई करो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे जो है वो बस का कम्यूट थंडर बे में, तो मेरी कॉलेज में तो जो है वो फीस में इंक्लूड है बस पास की, उसमें जो है मैं कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। अगर आपको जो है वो, मैंने तो जो है $160 पे करे थे, मुझे पता नहीं था कि मेरी जो है फीस में इंक्लूड है, तो मैंने जो है पे कर दिए, पर वो $160 मेरी नेक्स्ट सेम की जो फीस है उसमें जो है मुझे क्रेडिट मिल गया। तो मेरी फी हमारी जो यहाँ पे कई कोर्स है कि जिसमें कॉन्फेडरेशन में बस पास इंक्लूड है, तो इसमें जो है वो इजीली हम अनलिमिटेड बस में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। अपना जो आईडी पास है वहाँ पे एक स्टिकर या तो फिर बस का जो है वो पिक्चर लगाया हुआ था, तो आप जो कितनी भी बार जो है वो बस में ट्रैवल कर सकते हैं।
और जो बस की थंडर बे की फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत बढ़िया है सभी जगह पे, जो आपको 200, 300, 500 मीटर्स मैक्सिमम के जो है वो रेडियस में आपको जो है बस स्टॉप मिल जाएगा और सभी जगह पे जो है वो आप इजीली कम्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बस का भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं अभी है। जो है वो पूरा कॉलेज यानी कि कॉन्फेडरेशन और जो है वो लेकेड यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉन्फेडरेशन में तो मैं पढ़ता हूँ इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और क्योंकि कॉन्फेडरेशन में मैंने भी देखा है कि ये सब लोग जानते हैं कि गुरसाहिब करके जो है वो यूट्यूबर है एक, तो उन्होंने भी जो है वो यहाँ से ही पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो वही है इंस्पिरेशन तो मेरे। तो कॉलेज अच्छा है, अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि इंडिया की तरह यहाँ पे जो है वो सब एजुकेशन है तो ऐसा नहीं है। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम पूरी डिफरेंट है, पूरा असाइनमेंट बेस्ड है, फिर यहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम भी कई सब्जेक्ट में ओपन बुक होती है कि जिसमें आपको जो है वो ऑनलाइन सारा आपके जो पढ़ाया है वो मटेरियल है नोट्स है आपकी वो यूज़ करके जो है वो आप आंसर कर सकते हैं। तो कॉलेज अच्छा है, इतना बड़ा भी कॉलेज नहीं है, पर यहाँ से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट होके अपने जो है फील्ड जॉब उनको जो है मिली है। मेरे कई सारे जो है वो यहाँ पे कनेक्शन बने हैं कि जिनको यहाँ से पास आउट होके टोरंटो हो गए या तो फिर कहीं और सिटी है वैंकूवर वहाँ पे जो है वो उनको फील्ड जॉब लग गई है। और लेकेड के बारे में बात करें तो लेकेड जो है वो कनाडा की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से एक आती है कि लेकेड में बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं कॉन्फेड की तरह। पर जो लेकेड है उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर जब तक मैंने सुना है लेकेड जो है वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरा हाउस में जो है वो वहाँ से मेरा हाउस में जो 2-3 स्टूडेंट है वो वहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी सारे जो है फैसिलिटीज़ है। और लेकेड का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत मज़ा आता है। तो आप लेकेड में आओ या तो फिर कॉन्फेड में आओ, आपका डिसीजन गलत नहीं है, दोनों ही जो है वो अच्छी जगह है। अभी जो है वो सबसे मेन पॉइंट कि टोरंटो ब्रैम्पटन किचनर या तो फिर कोई भी कनाडा के बड़े सिटीज़ को अवॉइड करके थंडर बे क्यों आना चाहिए, क्योंकि थंडर बे ऐसा सिटी है कि आप जो 10 या 12 किलोमीटर में पूरा सिटी आ जाता है और जिसमें जो है वो आपकी सेविंग आराम से होगी, मतलब कि आपकी जो है GIC से कम खर्चे में आपका जो है पूरा महीना निकल जाएगा अगर आप अच्छे से जो है वो सेव करेंगे। तो आप जो है वो आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है तो वो इजीली जो है वो निकल जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए जो है वो लोग थंडर बे प्रीफर करते हैं क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के लिए थंडर बे जो है वो बेस्ट सिटी है ओंटेरियो में। कहीं और भी सिटीज़ है छोटे कि आप जो है वो इंस्टेड ऑफ टोरंटो ये सारे जो है वो सिटीज़ की तरफ देख सकते हैं। तो आपका जो है वो यहाँ पे मंथली सेविंग भी अच्छी हो जाएगी और जो आपकी फ़ीस में जो है वो इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा। फिर जो सबसे मेन बात कि अगर आप जो है वो ये सोच के आ रहे हैं थंडर बे की यहाँ पे जो है वो नाइट लाइफ अच्छी है, यहाँ पे क्लब्स है, लोग पार्टी करेंगे नाइट में, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा थंडर बे में। थंडर बे जो है वो एक छोटा टाउन या तो फिर सिटी कह सकते हैं कि जिसमें जो है वो नेचर बहुत ज़्यादा है, सभी जगह पे जो है वो आपको ग्रीनरी मिलेगी। तो ऐसा कोई नाइट लाइफ वाला सीन नहीं है, 8-9-10 बजे जो है वो सारा जो है मॉल शॉपिंग सब कुछ धीरे धीरे बंद होता है और लोगों भी जो है वो रात को कम रहते हैं रास्ते पे, ऐसी कोई नाइट लाइफ वाला यहाँ पे कुछ सीन नहीं है। तो आप ये देख के मत आना कि यहाँ पे जो है वो थंडर बे में आप जो है आओगे पार्टी करोगे तो आपको बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर टोरंटो किचनर की तरह मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आप इसके लिए आ रहे हो तो थंडर बे आपके लिए शायद नहीं है। थोड़े जो है बसेस वगैरह आ रही थी तो मैं इस साइड आ गया क्योंकि आपको जो है वो क्लियर जो है वो साउंड आए, वॉइस मेरा पहुंच जाए। तो यही सारा था कि मुझे जो लगा कि सारे जो है वो क्वेश्चन के आपको जो आंसर करने थे। मैं जो इंडिया में था तो मुझे भी यही सारे डाउट्स थे
क्योंकि मुझे जो है वैसा कोई खास YouTube पे या तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि जो मैं जो ये सारा आंसर कर सके। तो मैंने जो है सोचा कि ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दूं तो आपको जो है वो इजी हो जाए। बाकी जो आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप जो है वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको जो है वो आंसर कर दूँ। बाकी जो है वो ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए थंडर बे में और सारा जो है वो कनाडा के बारे में। बाकी इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए क्वेश्चन है तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।